बाकी बिहारी किसको मिलेंगे? जो राधे राधे रहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार वर्गों को तुमने भरना
उपाय किया, कैसे धर्म करो, कैसे पुण्य अर्जन करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, विषय भोग करो, यहाँ तक भी तुमने मुक्ति की मार्ग तक भी बताया तो है, लेकिन तुमने हरि की, भगवान कृष्ण की, राम की, भगवान की जो कथा तुमने दिल खोल करके बुला ली, तुम्हारी जो ग्रंथ है ना, जो पढ़ेगा भविष्य में कभी कभी आपस में लड़ाई करेंगे, क्योंकि आप शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण में क्या है, बोले सत्यम शिवम सुंदरम, वहां शंकर जी को परमात्मा रूप में बताया गया। अगर कोई शिव पुराण पढ़ लेगा ना, बोले भैया शिव से बड़े जगत में कुछ है नहीं, तुमने देवी पुराण बनाया। अगर देवी पुराण को कोई पढ़ेगा, बोले भैया वही तो जगत अम्बा जगजननी, सब तो वही सृष्टि वही से होता है, वो देवी को छोड़कर किसको मानेगा नहीं। जहां पर श्री सूर्य देवता की महिमा बताए, बोले सूर्य रास जगत पते, जगत को तो चंद्र सूर्य वही आलोक देने वाला तो वही है। जो व्यक्ति गणेश जी की महिमा को गाएगा, बोले भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अब ये सारे ग्रंथ को अगर कोई पढ़ लेगा ना, वो इतने कंफ्यूज हो जाएगा, अभी वो सोच नहीं पाएगा मुझे क्या करने चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, आपस में सब लड़ाई करेंगे भविष्य में। ये भगवान कृष्ण है, इसलिए बेटा जब तक तुम जी भर करके भगवान की कथा को नहीं बोलोगे ना, तब तक जीव को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए अभी ये भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें भगवान और उनकी भक्त, केवल भगवान और उनकी शुद्ध भक्तों का ही चरित्र गाओ, इधर उधर कोई देवा देवी की बात मत कहा करो। क्योंकि आप देखना, भले ही दुनिया में जिसकी पूजा करना कर लो, जिसको करना सारा जीवन कर लो, लेकिन जब शरीर ही छूटेगा ना, क्या बोलते बोलते ले जाएगा, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले तुमने राम कृष्ण को भजन के सिवाय जो कुछ किया है, तुमने सब झूठे में बिताया, सब तुमने झूठे में बिताया। बोले क्यों, बोले जीव का जो स्वरूपानुबद्ध धर्म है, वो भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही, यही जीव का स्वरूप धर्म। क्यों, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट करके ये चीज को वर्णना करो। और विशेष करके जो ब्रज की जो भक्ति है, जगत में भगवान को तो भक्ति सबने की है, लेकिन ब्रजवासियों ने जो भक्ति की है, ब्रज के सखाओं ने, गोपियों ने जो भक्ति की, जिनकी प्रेम में भगवान पूर्ण रूप में वशीभूत हो गए, तुम दिल खोल करके ब्रज की कथा सुनाओ, भगवान कृष्ण कैसे गोपियों को प्रेम में, सखाओं को प्रेम में, मैया को प्रेम में कैसे वशीभूत हो गई, इसको स्पष्ट रूप में वर्णना करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगा। इसलिए बेटा अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, इसलिए इसका नाम है भागवतम। कितना कह रहे चार इसका मतलब क्या, बोले भा मतलब, बोले भाती सर्वे सुलोकेषु, बोले ग बोले गीयते नारदादिभि, बोले ब बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, बोले त बोले तरणी च भवानवा। भा मतलब होता है शोभायमान, जिसकी शोभा विश्व ब्रह्मांड में, इसलिए स्कंद पुराण में कथा आई है, श्री उद्धव जी कहते हैं, बोले मेरे गुरु जी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे, बोले भगवान जब ये सृष्टि की, सबसे पहले तीन देवता को सृष्टि करते, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालना करना। अभी ब्रह्मा जी आते हैं, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो दुनिया को सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले ना ब्रह्मा जी, अगर आप ये भागवत कथा को 7 दिन तक सुनोगे, ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं कर सकता, इसकी प्रभाव से ये दुनिया को सृष्टि कर सकता हूँ। शंकर जी आए, बोले प्रभु ये संहार तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले कथा सुनो और कथा सुनाओ। शंकर जी अब कथा सुनाते हैं, हम तो 7 दिन तक सुनेंगे, इतने सुंदर शंकर जी व्याख्या करते हैं, उनको भागवत को समाप्त करने के लिए 1 साल लग जाता है। 1 साल में शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं, अरे भैया पार्वती कथा सुनाती है, शंकर जी सुनते हैं।
मैया कितना दिन तक विश्राम करते हैं? 2 साल। शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माता पार्वती उससे भी ज्यादा सुंदर व्याख्या करती हैं, क्योंकि मैया वैष्णवी, माता जी वैष्णवी है। वैष्णवी मतलब क्या? भगवान विष्णु को जो आराधना करती है, उससे भी सुंदर कथा माता पार्वती सुनाती है। अभी विष्णु जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से मैं दुनिया को पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करें? बोले आपकी कथा सुनो और सुना। जब नारायण कथा करते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए करते हैं, उनको 1 महीना लगता है। फिर माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है, नारायण स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं, और माँ लक्ष्मी उनसे भी, नारायण से भी ज्यादा माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। इसलिए माताओं का विशेष महिमा है, हैं? इसलिए माता जी 2 महीना में ये भागवत को विश्राम देती है, हैं? इसलिए देखो ये कथा की इतने महिमा, ब्रह्मा जी कथा के प्रभाव से दुनिया को सृष्टि करते हैं, विष्णु जी कथा के प्रभाव से जगत को पालन करते हैं, और शंकर जी की कथा के प्रभाव से दुनिया को संहार स्वयं शंकर जी करते हैं। इसलिए भाव मतलब होता है प्रकाश, बोले जिनकी प्रकाश ब्रह्मलोक में, जिनकी प्रकाश शिव लोक में, जिनकी प्रकाश वैकुंठ लोक में, जिनकी प्रकाश है, और मध्य जगत में तो है ही प्रकाश। इसलिए भाव मतलब होता है प्रकाश। बोले ग मतलब, बोले कियते नारदा देवी। इसका नाम भागवत नाम क्यों पड़ा? इसका 3 कारण बताया। सर्वप्रथम ये भागवत को चतुश्लोकी बताया गया। सबसे पहले भगवान की मुखार बिंद से ये चतुश्लोकी रूप में भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी इसको फिर नारद जी को दिए, फिर नारद जी फिर व्यास देव को, फिर व्यास देव फिर सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव फिर उन्होंने परिकृत महाराज को, और सुत गोस्वामी श्री सौनक आदि को सुनाते हैं। इसलिए का मतलब होता है नारद, ब्रह्मा और सुखदेव गोस्वामी आदि जितने बड़े बड़े संत भी जिसकी गियते मतलब दान करते हैं। बोले ब मतलब, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ये श्रीमद् भागवत। इसलिए श्री व्यास देव सारे ग्रंथों को रचना करते हुए भी शांति नहीं मिली। उनको पूर्ण शांति कब मिली? जब उन्होंने श्री भागवत ग्रंथ को रचना की तब पूर्ण शांति मिलती। इसलिए हम भी जब ये कथा सुनेंगे भागवत की, हमें भी पूर्ण शांति ये भागवत ग्रंथ से ही हमें पूर्ण शांति मिलेगी। बोले ता मतलब, बोले अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा महि भागवतम स्वरूपम। कहते संसार से अगर पार होना चाहते हो, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित बोले परीक्षित, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ बैठो और कथा सुनो। ये जो कथा सुन रहे हैं ना आप, वो लोग आप तो क्या कर रहे हैं, बोले कथा ही तो सुन रहे हैं और तो कुछ किए नहीं। बोले नहीं, जितने साधन हैं सबसे बड़ा साधन कथा सुनना। देखो एक चीज को समझो, आप अपना घर में बैठो, समझो ये मन को ठाकुर जी के भजन में लगाएंगे। आप 10 मिनट बैठे आंख बंद करके देखना, 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। आंख बंद करते नाती पोती दुनियादारी बेटा बेटी काम धंधा, 1 मिनट भी 10 मिनट में बैठो, 1 मिनट भी मन नहीं लगा सकते। लेकिन आप यहाँ पर 2-3 घंटा बैठो, देखना 1 मिनट भी अपना मन कहीं नहीं जाएगा, 1 मिनट भी आपका मन कहीं नहीं जाएगी, पूरा कथा में रहेगी। इसलिए जो कथा सबसे बड़े साधन बताया ये कथा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित, तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ बैठो और प्रभु की कथा सुनो। जब तक ये कथा सुनते सुनते तुमको ये अनुभूति नहीं हो गई, तुम ये जन्म मृत्यु का बंधन से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवान के पास नहीं पहुंच गए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और सचमुच से उन्होंने जब भागवत कथा की विश्राम हुई, वैकुंठ से रथ आया, फूलों के वृंदावन से परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी रूप धारण किए और रथ में बैठे, और उन्होंने भूर भुवा मोह जन तप सत्य लोक को पार करते करते सीधा उन्होंने फूलों के वृंदावन में पहुंचे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये परीक्षित को जो किया ही नहीं, केवल बैठा केवल कथा ही सुना, तो किया ही नहीं और सीधा गोलोक वृंदावन।
इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में के तराजू लिए, तराजू को लेकर के एक तरफ में जगत का जितने पुण्य है, जगत में जितने पुण्य कर सकते हो, सारे तीर्थ घूमना, जितने यज्ञ करना, जितने दान पुण्य करना, जितने तपस्या करना, तराजू को उन्होंने एक तरफ में धर दिया और तराजू के दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा का महिमा को उन्होंने धरे, तो पत्थर जैसे भगवान की कथा तो जिस तरफ में रखा पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और दूसरे तरफ में जितने पुण्य सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया है। तो ब्रह्मा जी को पता चला भैया जगत में आप जो कुछ कर लो, दान तपस्या यज्ञ तीर्थाटन पृथ्वी में जो कुछ कर लो, लेकिन भागवत कथा को सामने आप किसी चीज को बराबर नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा स्वयं तराज में नाप कर ये चीज को उन्होंने देखा है। इसलिए जो कथा श्रवण करना जितने भक्ति अंग में सबसे प्रधान, इसलिए भगवान राम सबरी को कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा दूसरे भक्ति तत् कथा प्रसंगा। और नव विद्या भक्ति में प्रहलाद कहते हैं बोले श्रवणम कीर्तनम भीष्म स्मरणम, सबसे बड़ी भक्ति की आप बोले कथा सुनो, क्योंकि सुनोगे तब तो, इसलिए ना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जितने भक्ति अंग में कथा ही सबसे भक्ति अंग है, जो जितने कथा सुनी उतना ज्ञान होगा, फिर उतना ज्ञान होगा तो भक्ति में उतना ही मन लगेगा। इसलिए भागवत कहता है जिनको भगवत कथा में रुचि नहीं लेकिन दूसरे चीज में बड़ी रुचि है और दूसरे दूसरे काम में तो बड़ा रुचि है लेकिन कथा सुनने में रुचि नहीं, बोले सब तुम्हारी जीरो है, सब तुम्हारी जीरो हो जाएगी, कुछ भी काम करने वाले नहीं। ये भागवत कहता है कथा में रुचि नहीं तो सब बेकार तुम्हारी। देखना एक लड़की एक लड़का को प्यार करते हैं, एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, देखना उसकी कई बात होना कान खड़ा हो जाता है, उसका नाम तो काफी में लिखेगा, दीवार में लिखेगा, हाथ में लिखेगा, बोले क्यों, बोले उसको प्रेम करता है, जो जिसको प्रेम करता है ना उसको कथा सुनने में बड़ी प्यार लगेगी। इसलिए तुम जो भगवान को प्रेम करते हो लखन क्या है, बोले उसकी कथा तुम्हें अच्छी लगती है, समझना तुम्हारी सही प्रेम और दूसरे चीज की तुम्हारी बड़ी रुचि, लेकिन कथा में बैठ करके थोड़ी सी तुम्हारी कथा सुनने में रुचि नहीं, सब जीरो तुम्हारी, ये भक्ति तुम्हारी जीरो हो जाएगी, कुछ काम में आने वाले नहीं। जब तक तुम सुनोगे नहीं, नहीं समझोगे, जो करोगे सब उल्टा पुल्टा करोगे, सारे उल्टा पुल्टा तुम करोगे। इसलिए प्रथम भक्ति संतन करी, ये राम सबरी को ये बात कह रहे हैं और प्रहलाद बच्चों को ये बात सिखा देते हैं। इसलिए बोले की जो श्रीमद भागवत कथा है कहते तमादि देव करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूपम। अगर ये अपार संसार से अगर कोई पर पार जाना चाहते हो क्या करो, बोले तब मतलब तरणी च भवार्णवा, ये भवसागर से पार होने के लिए ये भागवत एक बढ़िया नाम है, मतलब कथा रूपी नाव में बैठ जाओ देखोगे सीधा पार हो गए, कहाँ चले गए, जब आंख खोलोगे ना आंख बंद करके बैठ जाओ, जब आंख खुलोगे देखोगे सीधा ठाकुर जी की चरण में आप पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय, जय श्री प्रेम सबको जो प्रेम देते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, मतलब आसक्ति को जो खत्म कर देते हैं, इसलिए सबकी आसक्ति को संसार का आसक्ति जो खत्म कर देते हैं कहते हैं श्री नारद जी। जिसको पर नारद जी की कृपा होगी ना बस उसको कल्याण ही कल्याण, उसकी कल्याण हो गया। देखो उन्होंने वाल्मीकि विशेष करके उनको दो वृद्ध चले हुए, वाल्मीकि का नाम जानते हो,
सुने हो वाल्मीकि का नाम? कौन कौन सुने हो वाल्मीकि का नाम? सब जानते हो। पहले ये दशरथ नगर था, इतने उसने पाप की, इतने ब्राह्मणों को उसने हत्या की, वो जने से कुएं भर दिया था। लेकिन एक बार तो बोले नारद से मिले, बोले बाबा क्या निकाला तेरे पास में किया? बोले भैया हम तो संत है, हमारे पास में तीन ही चीज है, लोटे सोटे और लंगोटे। बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने बताया, ये बताओ तुमने ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, इसका पाप कौन लेगा? बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले ध्यान दे, मेरे सुन, ये दुनिया हम सब सुख में सब साथ देने वाले, दुख के में कोई साथ देने वाले नहीं। कुछ कर जाने पत्नी से पूछे, तुम मेरी पाप कर्म लोगे? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तुम्हारा, मेरे को बता नहीं कैसे पैसा कमाते हो। पिता माता को पूछे, बोले क्यों, तेरे को जन्म देकर कितना लिखा बड़ा सिखा कर बड़ा किया, हमने कैसे पालन किया हमें पता, तू कैसे पैसा कमाते हो तेरे को पता। बच्चों को पूछे, बोले क्यों, हम तभी बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें को बड़ा बनाना, अरे बड़े बन करके पैसा कैसे कमाएंगे हम देखेंगे। भैया नारद तो सही बता रहे, अरे वापस आए नारद जी के चरणों में गिरे, बोले बाबा तुम तो सही बता रहे थे, दुनिया तो बड़ा स्वार्थी है, हैं दुनिया तो बड़े स्वार्थी है, दुनिया क्या कहेगा? बोले आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा घर आप नहीं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये दुनिया बड़ा विचित्र है, ये दुनिया का समझना बड़ा कठिन है, दुनिया का समझना। इसलिए बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, अभी बता मेरी कल्याण कैसे हो? बोले बोलो राम, बोलो बोलो राम। लेकिन वो इतना पाप किया था, उसको मुझसे राम की नाम नहीं किया, ठाकुर का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोला हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माई। केवल मरा मरा करते करते राम राम हो गया, और राम आने से पहले लवकुश देखे कि नहीं? हम लोग लवकुश देखे हो? राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख करके लवकुश को उन्होंने पढ़ा दिया, और लवकुश क्या कर दिया उन्होंने, राम दरबार में राम को उन्होंने राम कथा सुनाई। सारा दुनिया देख देख कर हैरान हो रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे और पूरा अयोध्या की चतुरग्नि सेना को उन्होंने धराशायी कर दिया, इतने प्रभाव की लवकुश बने। इसलिए कहते ये नारद जी की एक पहला चेले है, जो दुनिया को एक अद्भुत ग्रंथ दिया। कौन सा ग्रंथ? श्री रामायण जैसे ग्रंथ दी। कहते दूसरे चेले कौन? बोले श्री व्यास देव, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की, ये नारद जी के चेले हैं। और दो बालक हुए, बोले कौन कौन? एक ध्रुव और एक प्रभाव। इतनी किसकी इतनी प्रभाव है, कहते ना जनमा जनमा मोनि जतन ना कराई, जनमा जनमा मोनि जतन ना कराई, आ जनमा जनमा मोनि जतन ना कराई, समय में प्रभु का नाम आना कठिन। लेकिन देखो नारद जी की कृपा कैसे, कैसे नारद जी कृपा। ध्रुव का नाम सुने होंगे, प्रह्लाद का नाम सुने होंगे, ये 5 साल के दोनों बच्चे हैं। ध्रुव जी के ऊपर में इतनी कृपा की, 6 महीना में उन्होंने ठाकुर का दर्शन किया। और प्रह्लाद के ऊपर में ऐसे कृपा हुई, वो माँ की पेट में रहते रहते उनको मैया को उन्होंने कथा सुनाई, प्रह्लाद को कथा नहीं सुनाई, कथा सुनाए माँ को। लेकिन वो गर्भ में बैठी बैठी करके इतने बड़े विद्वान बने,
और प्रह्लाद ने बच्चों को जो ज्ञान दिया 5 साल उम्र में, स्वर्ग में देवता लोग भी उनके ज्ञान को आहरण करते हैं। इतने प्रभाव और दोनों बच्चों को ऊपर में इस कृपा की, इन्होंने 5 साल में भगवत दर्शन कर लिया। इसलिए नारद जी की कृपा के बगैर ना कुछ होने वाले नहीं। इसलिए श्री नारद जी जब से दक्ष प्रजापति ने इस दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी आदेश दिया ये सृष्टि के क्रम को बढ़ाओ, पहले नियम होता था गुरुकुल में सब जाते थे, तब दक्ष प्रजापति 10,000 संतान को उन्होंने मन से सृष्टि किए। पहले जो सृष्टि होती थी मानस से सृष्टि होती थी, जब सृष्टि हुई उनको भेज दिया बेटे जाओ गुरुकुल में पढ़ करके आओ। गुरुकुल गुरु कौन? बोले नारद जी। हम कहते हैं ना तू क्या नारद जी का काम करते हो? कहते ना क्या झगड़ा लगाते हो? झगड़ा नहीं लगाते। नारद जी की जिसका संग हो गया तो उनको संत बना देते हैं। अभी पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद में वो अपना संसार में जाना चाह रहे थे। नारद जी ने कहा देखो बच्चों अभी तुम घर गृहस्थी करने जा रहे हो लेकिन समझ बूझ करके जाया करो, नहीं तो एक बार फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। तब उन्होंने नारद जी बच्चों को कुछ प्रश्न करते, आप लोग भी सुनो क्या प्रश्न है। पहला इनका प्रश्न है तुम ये बताओ कौन सा ऐसे चक्र है जो चक्र को नहीं घुमाते कोई, वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं, चक्र को कोई नहीं घुमा रहे लेकिन वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं, बताओ तो कौन सा चक्र? आप लोग तो बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं काल चक्र है, देखो ये चक्र को कोई नहीं घुमा रहे हैं। हम जन्म हुए बड़े हुए लिखाई पढ़ाई सीखे नौकरी चाकरी की शादी विवाह की बच्चे हुए शादी किया धीरे धीरे बाल भी सफेद होने लग गए आंखों में भी कमजोरी आ गई दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया कमर भी टेढ़ी हो गई और चमड़े भी ढीली पड़ गया। रावणा सत्य है, बताओ ये चक्र को कोई घुमा रहे हैं? चक्र को कोई नहीं घुमा रहे, ये चक्र अपने आप घूमती है। उनकी दूसरी प्रश्न है बच्चों ये बताओ ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है, ऐसे कौन सा हंस जो बड़े विचित्र विचित्र बात करता है? बोले गुरुजी थोड़ी हंस कोई बोलता है, बोले यही तो बात है, बताओ कौन सा हंस बड़ा विचित्र बात करता है? बोले हमारा वेद है, हमारी गीता है, हमारी रामायण, हमारी भागवत। बोले क्या विचित्र बात करता है? हम कहते ये हमारा बेटा हमारी बेटी ये संसार दुनिया, शास्त्र कहता है नहीं तुम इसी जगत के नहीं हो, तुम रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हो, एक दिन तुमको ये संसार छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? बोले चलो बैक टू गॉड है, अपना घर में वापस चलो। बोले यही घर तुमने बनाया इतना रुपया पैसा खर्चा करके? बोले बनाया तुमने लेकिन यहाँ रह नहीं सकते हो, वो परमात्मा जब निकल जाएंगे ना तुमको 1 घंटा भी घर में रहने नहीं देंगे, पूरा परिवार को बुला करके घर से निकालेंगे और तुमको गोबर पानी का छिड़काव गंगा पानी छिड़काव करवाएंगे, घर अपवित्र हो गया। इसलिए शास्त्र हमें विचित्र बात करता है, तुम अमृतस्य पुत्रा तुम अमृत के पुत्र हो, अपना घर में वापस चलो, वहीं पर तुम्हें परम शांति परम आनंद मिलेगा। इनका तीसरा प्रश्न है ये बताओ ऐसे कौन सा बील है जो बील में अगर एक बार फंस जाओ ना जो बील से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, बताओ कौन सा बील है जिसमें एक बार चले जाओ निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, बताओ तो कौन सा बील है? बोलो जोर से बोलो। हाँ ये घर गृहस्थी है, ये घर गृहस्थी ऐसे जो बील है ना, आप देखना सामने कोई एक समस्या आप सोचोगे भैया किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाए हमें चैन मिलेगी, लेकिन देखना वो एक समस्या से दूर नहीं हुई दूसरे 2 समस्या आ गई, तीसरी समस्या आ गई। हम पहले सोचते हैं अगर बेटे के शादी दे देंगे ना बस हमारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन घर में बहू आ गई, बहू की नाती पोती हो गई, उसको पहले तो थोड़ा सत्संग में चले जाते थे घूमने, लेकिन घर में जो बहू आ गई ना फिर डोकरी घूमती रहती है, कोई काम धाम नहीं, बच्चों को पकड़ कर ही घूमती रहती है। इसलिए ताना आप हर काम को देखना, हम सोचते हैं सब एक काम हो जाए हमारी समस्या दूर होगा, लेकिन देखना जैसे दल 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 में हम संसार में हम फंस जाते हैं, इसमें एक बार घुस जाओ निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगी। उनका चौथा प्रश्न है बोले बताओ तो पिताजी का क्या आदेश है, पिताजी का क्या आदेश है जीवन जीव का प्रति?
बोले पिताजी तो भेजा आपके पास में पढ़ाई लिख, बोले ये पिता नहीं परमात्मा, जो परम पिता जो भगवान, उनकी क्या आदेश हमारा प्रति है? बोले उनकी केवल एक ही आदेश है। बोले क्या आदेश है? मर्तक सतत विष्णु बीस मर्तक न जाता, उनको एक आदेश है हर समय भगवान को स्मरण करो। उनको आदेश क्या नहीं है? कभी उनको भूलो, हर समय हर काम में उनको याद रखते रहो। और उनका निर्देश है नहीं है कभी उनको भूलो मत। नारद जी ऐसे उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया ना, वो जो 10,000 बच्चे थे सबके सब साधु बन गए। बोले हम और संसार में नहीं, अभी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भजन करेंगे। इसलिए भगवान का जो इसलिए नारद जी अपना चरित्र श्री व्यास देव को सुनाते हैं। बोले व्यास मेरी कथा सुनो, मैं इतने बड़े संत कैसे बन गया? बोले मैं किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई। एक दिन हमारे गांव में चातुर्मास्य में कुछ संत हमारे गांव में आए। पहले संत लोग 4 महीना तक कहीं नहीं जाते थे, किसी एक जगह पर रुक करके, क्योंकि 4 महीना बारिश ही होती थी, एक जगह पर सत्संग और हरि कथा करते थे। अभी संत लोग हमारे गांव में आए, अभी संतों के लिए तो बढ़िया बढ़िया खाना बनना शुरू हो गया। मैंने जो गरीब घर के मैंने था, मेरी मैया ने देखा अगर थोड़ी बहुत तो संतों की मैं सेवा कर दूं ना, मुझे भी भोजन मिलेगी, मेरे बच्चों को भी भोजन मिल जाएगी। इसी भाव से मेरे मैया ने संतों की सेवा की। अभी माँ जो करेगा बेटा तो वही करेगा ना, क्योंकि पहला गुरु कौन है? पिता माता। पहले गुरु हमारे पिता माता है। अभी पिता माता से ही बच्चों को संस्कार पढ़ती है। अगर माँ अगर संतों की सेवा करती है, संतों के पास में बैठ कर कथा सुनती है, फिर क्या करेगा? बच्चा भी वही करेगा। अभी बच्चा भी बैठ करके संतों की सेवा सत्संग सुनता है। करते 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 ना, जैसे संग करो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में रंग भी वैसे धीरे धीरे रंग भी वैसे चढ़ने लग जाएगा। अगर संत के संग लागे ने तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी। बोले संत के संग लागे ने तेरी अच्छी बनेगी। अब ये संतों का संग करते 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 धीरे धीरे उनका रंग भी मेरे ऊपर चढ़ने लग गए, धीरे धीरे मेरे ऊपर उनके रंग चढ़ने लग गया धीरे धीरे। एक दिन संतों लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? बोले संतों का जो प्रसाद है, अगर कोई संतों का प्रसाद सेवन करे, सबसे जल्दी से जल्दी 3 चीज को द्वारा प्रभु की भक्ति मिलती है। ध्यान देकर सुनो, अगर प्रभु की भक्ति पाना चाहते हो, 3 चीज को द्वारा जल्दी से जल्दी प्रभु का प्रेम मिलेगा। बोले 3 चीज क्या है? बोले पहले संतों का चरणामृत, दूसरी उनके चरण की धूली, और तीसरी उनकी कथा व उनकी अधरामृत प्रसाद। ये 3 चीज को द्वारा जल्दी से जल्दी भगवत भक्ति बढ़ती है। अभी उन्होंने सुन रखा था, और सचमुच से संत थे। देखो हमें जब संतों का संग करना ना, सावधान से करना है, ऐसे नहीं असंत को संत मान दिया। ये चीज भी बड़ी सावधान है, हैं? देखो किसकी वेशभूषा को देख करके हम संत नहीं कर सकते, किसकी ड्रेस को देख करके, लाल कपड़ा पहले, मोटे मोटे माला तिलक, उसको संत नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे सुनेंगे, भगवान संत की कथा सुनाएंगे, संत की क्या लक्षण है। यहाँ पर बताए संतों का ना लक्षण होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, तभी कैसे समझोगे ये संत ना असंत। उनकी क्रिया क्या होनी चाहिए? बोले शांति अभ्यर्थ काल विरति मान सुन्नता आशा बद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। देखो ये शास्त्र कहता है संतों का पहला लक्षण है शांति। शांति मतलब है भले ही जीवन में जितने विपत्ति कभी आए, लेकिन कभी भगवत स्मरण नहीं छोड़ते। लेकिन हम लोग देखना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर घर में थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाए ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले प्रभु की माला ही छोड़ते हैं। भगवान को दोष देंगे, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, हम इतने भगवान की भजन किया, दिन रात उसका स्मरण करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, सबसे पहले भगवान को दोष देंगे। लेकिन अपना क्या कर्म किया इसका हम दोष नहीं देते। ठाकुर जी को बोले सारे दोष जब तो दोष नंद घोष है, सब भगवान की नहीं। लेकिन जो भक्ति करता है ना
आप श्री पंचवर्णों का नाम सुने हो, जीवन में कितने विपत्ति आए, 12-13 वर्ष में जंगल जंगल में भटके, सारी धन संपत्ति छीन गई, द्रौपदी को बस्तर हरण देखना पड़ा, लेकिन कभी प्रभु को ऊपर दोषारोप नहीं किया, बल्कि विपत्ति में भगवान साथ दिया। इसलिए कुंती माँ को जब भगवान बोले, भगवान बोले बुआ जी वर मांगो, कुंती ने क्या वर मांगे, बोले क्या वर मांगे, दुख, बोले मेरे झोले में दुख दे दो, बोले बुआ जी जिंदगी भर इतना दुख उठाया तभी तुम्हारी मन भरी नहीं, तभी तो दुख मांग रही हो। लेकिन कुंती क्या कहती है, कहते प्रभु दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, हर जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काही को आई। इसलिए सुख मात सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरी वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। आप लोग स्वयं बताओ, सुख में ज्यादा स्मरण आता ना दुख में आती है, बताओ, बोले दुख में ज्यादा स्मरण करते ना सुख में, बताओ, आप लोग खुद बताओ, देखा दुख में ज्यादा स्मरण आते हैं। इसलिए कहते प्रभु जब जब हमारे ऊपर में दुख पड़ी तब तक तो तुमने साथ में रहा, लेकिन अभी मैं राजमाता बन गई, युधिष्ठिर राजा बन गया, आपको छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए प्रभु मेरे झोली में दुख भर दो, क्योंकि दुख में स्मरण सब करे। इसलिए संतों का पहला लक्षण है शांति। शांति मतलब जीवन में जितने दुख आने पर भी कभी भगवान को भूलते नहीं, हर समय प्रभु का स्मरण करते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आप लोग कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इधर उधर का बात करके दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं करते, जब चर्चा करे केवल हरि की चर्चा करते हैं। ख्यातिर अव्यर्थ काल तम विरक्ति, विरक्ति मतलब है संसार की दुनियादारी के प्रति उनको विरक्ति, प्रभु के चरण में उनकी अनुरक्ति, विरक्ति मान शून्यता, कभी वो स्वयं इज्जत की इच्छा नहीं रखते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, लेकिन कभी स्वयं सम्मान की भूखे नहीं रहते। इसलिए मान सुनता आशा बंध, आशा बंध मतलब जीवन में हमें ठाकुर जरूर मिलेगी, पूर्ण विश्वास रहता है एक दिन ठाकुर का दर्शन हमें मिलेगा। इसलिए मान आशा समोत्कंठा, हर समय उनके हृदय में भगवान की भक्ति में बड़ी रुचि, कहीं अगर कथा हो आसक्ति तत् गुणाने, अगर कहीं प्रभु की कथा हो ऐसे लगता है दो कान हमें क्यों दिए, हजार कान हमें क्यों नहीं दे दिए ठाकुर जी कथा सुनने के लिए, प्रभु की लीला स्थली में कब वृंदावन जाएंगे, कब ठाकुर का दर्शन करेंगे, कब भगवत लीला स्थलियों में जाएंगे, कब, ये सब चीज लक्षण है संतों की। नारद जी ने कहा व्यास देव सचमुच से वो संत ही थे, और धीरे धीरे उनकी रंग चढ़ने लग गई। एक दिन उन्होंने प्रसाद पा करके अपना प्रसाद पतल में छोड़ करके चले गए। मैंने सुना था संतों का जो झूठन में बड़ा ताकत है, एक बार उनको आदेश लेकर के केवल एक बार मैंने उनको प्रसाद को ग्रहण करते ही मेरे हृदय निर्मल हो गया, मेरे हृदय से काम क्रोध लोभ सबके सब दूर हो गया, मेरे हृदय से, मेरे हृदय में तो प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट हो गया। 4 महीना खत्म होते ही संतों लोग जाने के लिए तैयार किए, मैंने कहा मेरे को भी साथ में ले चलो, लेकिन मैं माँ का एक अकेला बच्चा था, मैया मेरे को जाने नहीं दी। कुछ दिन बाद में जब संत लोग गए, हमें एक मंत्र देकर कह बोले बेटा ये मंत्र को जप करते रहना। जब संत चले गए, ठीक शाम का समय में मेरी मैया गोदोहन करने के लिए गई, एक जहरीले सर्प को ऊपर प्यार पड़ा तो सर्प माँ को काट दिया, वहीं पर मैया ने सर्गी छोड़ दी। किसने कहा नारद जी तेरे मैया को सांप ने काट दी, दुखी भी तो हुआ लेकिन सुख भी हुआ, क्योंकि अभी मेरे को कोई भजन में बाधा देने वाले नहीं, मैं तो वहीं से ही चल पड़ा भजन के लिए। भगवान परीक्षा भी देते हैं,
कहीं भक्ति के लिए जाओ ना, ठाकुर जी बड़े बड़े परीक्षा लेते हैं। बोले एक देश में दो सेठ सेठानी थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। मैं देखने में बड़ी प्यारा बच्चा था, मेरे को देख करके वो दोनों सेठ सेठानी बोले बेटा एक बार हमारी गोद में बैठ जाते। बोले माँ बाप बोलते सारे संपत्ति का मालिक तू बन जाओगे। मैंने कहा गोद में बैठूंगा तो बोले प्रभु की गोद में बैठूंगा और किसी की गोद में नहीं बैठूंगा। और थोड़ी दूर गए, एक राज्य में राजा नहीं था, हाथी सोने का कलसी लेकर घूम रहा था, जिसकी सर पर डालेगा वही राजा बनेगा। मेरे सर पर डाल दिया, सबके सब मेरे को गोद में उठा ली। बोले अपन राजा मिल गया। बोले भैया क्या बात है? बोले हमारा देश का राजा। बोले भैया मैं राजा बनने वाला नहीं हूँ। कहते हैं ना जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। उसका मोह भी मैंने त्याग दिया और थोड़ी दूर गया, घना घोर जंगल में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर सरोवर, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, जिसमें बड़े सुंदर भौंरा बना रहे हैं। पानी इतने सुगंधी पानी था, पेट भर करके मैंने पानी पी। गुरु जी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र को मैंने बैठ करके एकाग्र मन से मंत्र को मैंने जप की। जब मैंने मंत्र जप करते 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 मेरा मन निर्मल हो गया, इतने में भगवान का एक झलक हमें दर्शन मिला। भगवान एक झलक जब दर्शन दी, मेरे आंखों का आंसू से मेरे आग भर गया, मेरे रोम खील उठा। लेकिन ठाकुर जी दर्शन देकर के ना ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मैंने रोने लग गए। बोले ठाकुर जी दर्शन नहीं देना तो दर्शन नहीं देते, लेकिन दर्शन देकर कहाँ चले गए, मेरे रोने लग गया। इतने में आकाशवाणी हुई, है नारद जी अभी तुम्हारी अंदर कुछ कमी है, केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने ये दर्शन दिया, किसी जीवन में और नहीं मिला। अगले जीवन में फिर मैं दर्शन दूंगा। पर अगले जीवन में मैंने ब्रह्मा जी की मानस पुत्र रूप में जन्म लिया और श्री गिरिराज की तलहटी में, वहां पर एक नारद कुंड है। अगर कभी गिरिराज जाओगे वहां पर श्री नारद जी का कुंड देखोगे, वहीं पर नारद जी बैठ करके फिर उन्होंने भजन किया। भजन किया तो भगवान हमें दिव्य रास में दर्शन किया। ठाकुर जी की रास हो रही थी, रास में जुगल सरकार के दर्शन मिली और राधा रानी मेरे को कृपा करके अपना प्रसाद वीणा में प्रदान की। और जब जब मैंने वीणा में ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मुझे दर्शन देते हैं। जहाँ इच्छा होता है सर्वत्र में भ्रमण करता हूँ और ठाकुर जी का नाम कीर्तन करता हूँ। इसलिए हे व्यास देव, अगर तुम भी जीवन में शांति पाना चाहते हो, मेरे जैसे श्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो भगवान की हरि की ही गुणगान करो, हरि की ही कथा सुनो और हरि की ही भजन करो, इसी से ही तुम्हें शांति मिलेगी। नारद जी इस सब ज्ञान की बात को देख करके चले गए। इतने में श्री व्यास देव जी भक्ति युक्त समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए संपूर्ण गोलोक वृंदावन में दर्शन किया। जुगल सरकार की दर्शन हुई, सखियों के साथ में नंद जसोदा ग्वाल बाल को उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बनाया। अद्भुत ग्रंथ उन्होंने भागवत बनाए, लेकिन ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन इसको पढ़ाए किसको? लेकिन उनको जो बेटा श्री सुखदेव गोस्वामी, वो बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी होकर के चला गया। व्यास देव के चार शिष्य थे, शिष्यों को कहा देखो मेरे एक तोता कहीं चला गया, पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कौन। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार श्लोक सिखा देता हूँ मंत्र। ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आएगा समझना वही मेरे तोता है। बोले ऐसे मंत्र? बोले हाँ। तो उन्होंने पहला चेले को पहला श्लोक सिखाए। बोले बराहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयन्ति च माला रत्नान वेणुरधर सुभया पुरया नभोक वृन्दै वृन्दारण्यम सुपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। कति जो मंत्र है ये राधा रानी वेणु गीत में
कृष्ण कितने सुंदर है, ये राधा रानी स्वयं ये मंत्र उच्चारित की। कृष्ण कैसे सुंदर है, बोले बराहा पीड़म, जिनके सर के ऊपर मयूर पंखा है, जिसको सर में मयूर पंखा है, हाँ बराहा पीड़म। बोले क्यों ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, हमारे गोस्वामियों ने उसको पीछे बड़ी बड़ी टिकाई बताई, उसका पांच कारण बताए कृष्ण ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल पाता है। अभी ध्यान देकर सुना, कृष्ण ये मयूर पंख क्यों लगाते हैं। पहला कारण है, ये मयूर पंख में श्री राधा जी की नाम लिखा हुआ है। दूसरा कारण है, ये मयूर ब्रह्मचारी है। तीसरा कारण है, आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन बरसाना गए हैं, ये गौर वन की परिक्रमा लगाए हो, गौर वन की परिक्रमा लगाई थी, कौन कौन लगाए, वहां पर एक मयूर कुटी देखना, वो मयूर कुटी में कभी राधा और राम कृष्ण दोनों मयूर और मयूर भी बन करके कभी मयूर कुटी में नृत्य किए हैं, इसलिए राधा रानी कभी मयूरी बनी थी राधा रानी, इसलिए राधा जी की स्मरण करने के लिए कृष्ण ये मयूर पंख धारण करते। कितना कारण हो गया, कितना कारण हो गया, आपको गिन नहीं रहे, कितना कारण हो गया, तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए, एक दिन कृष्ण रोड में चल रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर एक मयूर पंख गिरा हुआ। मयूर पंख ने कहा, श्याम सुंदर मैं जिसको पीछे लगा था ना, देखो मेरे को कैसे छोड़ दिया और मेन रोड में पड़ा हुआ, मेरे कोई सहारा नहीं। कृष्ण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते है ना, उसको पूछने वाला मैं हूँ। इसलिए कृष्ण उठाया और अपना सर पर धारण कर लिया। कृष्ण शिक्षा देते हैं, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते है ना, पूछने वाला मैं हूँ, इसलिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं। पंचमा कारण बताए, ये मयूर कब नृत्य करता है, आप लोग देखा होगा मयूर नृत्य, मयूर तभी नृत्य करेगा जब आकाश में काला मेघ छा जाए और उसमें बिजली चमकने लगे, घड़गड़ शब्द हो, उसी समय मयूर ने वो पंख खोल करके तभी नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसी बजा रहे थे, कृष्ण का रंग कैसे श्याम रंग थी और पीतांबर कैसे जैसे बिजली चमक रही है और बंसुरी कैसे जैसे घड़गड़ शब्द होता है, इतने में मयूर तो पंख खोल करके नाचना शुरू कर दिया। जब कोई नृत्य करता हम क्या करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे घुमा घुमा कर उसको देते हैं। अभी मयूर तो बड़ा खुश हो गया कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके, बोले भैया कृष्ण को तो कुछ नौछावर देनी चाहिए ना, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पंख है। मयूर ने अपना पंख को झाड़ दिया और उसमें एक पंख गिरा तो प्रेम को उभार है, कृष्ण उठाया और अपना सर में धारण कर लिया। ये एक कारण है, कितना हो गया कारण, हम लोग कोई भीड़ नहीं, कितना कारण हो, पांच। छठवां कारण सुनो, क्यों कृष्ण मयूर पंख धारण करते हैं, कहती ये मयूर का नृत्य आप लोगों ने देखा, कौन कौन देखा मयूर नृत्य, हाथ उठाओ तो मयूर नृत्य कब देखे आप, देखना मयूर नृत्य बड़ा सुंदर नृत्य, जब पंख खोल करके धीरक 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 करके नृत्य करता है, अद्भुत मयूर का नृत्य है। इसलिए शंकर जी का एक नाम है बलिहारी। प्रभु आपकी जय जयकार हो आपकी।
पहले तो मैं सोचता था सबसे बढ़िया नाचने वाले मैं हूँ, प्रभु आपकी नृत्य को बलिहारी हो। इसलिए इसमें बताया नट भर, नट मतलब शंकर जी, भर मतलब पति। जो शंकर जी का भी जो पति कौन है? कृष्ण। बोले शंकर जी का पति कृष्ण कैसे हुई? हम आगे सुनेंगे। जब कृष्ण रास रचाए ना, शंकर जी गोपीश्वर बनकर के आए, गोपी बनकर के आए थे। नहीं बता गोपियों का पति कौन है? गोपियों का पति कौन है? कृष्ण है। इसलिए कहते हैं नटवर कौन है? श्री कृष्ण नटवर है। कृष्ण बड़ी सुंदर गले में वैजयंती माला धारण की, गले से लेकर चरण तक है बड़े सुंदर पीताम्बर पहने। बोले पीताम्बर क्यों पहने? बोले राधा जी की जो रंग है पीत वर्ण है, इसलिए राधा रानी कौन सा रंग की कपड़ा पहनती है? बोले नील वस्त्र। बोले क्यों? बोले कृष्ण का रंग नील है, राधा रानी नील और कृष्ण पीताम्बर। क्यों? राधा जी का रंग पीत वर्ण। बोले दोनों दोनों को प्रति प्रेम को प्रकाश करते हैं। यहाँ पर कहते कृष्ण बड़े सुंदर बंसुरी बजाते हैं, इसलिए बंसी ध्वनि को सुन करके कभी कभी राधा रानी कहती है अगली जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण गोप हम गोपी, अभी कृष्ण की अधरा मृत में तो हमारी अधिकार है ना, लेकिन देखो बंसी को ये हमें अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण की सारी अधरा मृत को यही चूस रहा है, कभी कमर में कभी हाथों में कभी अधर पर। कृष्ण कभी बंसुरी को छोड़ते नहीं, इसलिए अगली जीवन में राधा रानी कहती है मैं तो बंसुरी बन करके आऊंगी और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी। और देखो कृष्ण की सारे अधरा मृतों को यही चूस चूस करके, कृष्ण का अधर एकदम बिंब फल जैसे लाल, लेकिन कृष्ण का होंठ देखो पीला हो गया, पीला नहीं नीला हो गया। क्यों? ये सारे रस को यही चूस रहा है। अब मेरे तरफ में देखो राधा रानी क्या कहती है, बोलिए बंसुरी को कितने सौभाग्य दे रहे हैं, बंसुरी कैसे बजाते, कैसे है ना ऐसे बंसुरी बजाते हैं। राधा रानी उदाहरण देती है जैसे एक राजा महाराजा की सेवा, जैसे राजा महाराज को डल्लभ गति के ऊपर सोता है, कहते कृष्ण का जो दो अंगुलों के ऊपर में बंसुरी कहती है डल्लभ गति है। फिर जैसे सेवक उनका चरण दबाता है, कृष्ण अंगुल में अंगुल हिलाते हैं, बोले मानो उसको चरण को दबा रहे हैं। कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे किसी राजा के सर के ऊपर छत्री धारण करते हैं। पर आंखों का जो पलक झप रहे हैं, पलक नहीं ये बंसुरी को हवा कर रहे, बंसुरी को हवा करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती भैया अगली जीवन में राधा नहीं मैं तो यही बंसुरी बन करके आऊंगी। अरे कृष्ण हमें हर समय हमें पास में रखेंगे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कहते भैया वृंदावन कितनी सौभाग्यवती, वृंदावनम सखी हुआ कितनोति कीर्ति। कहते द्वापर युग में पृथ्वी को सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हुई। बोले क्यों? बोले भगवान की हर अवतार पादुका ग्रहण किया, लेकिन कृष्ण ही ऐसे के हुए हैं जो नंगे प्यार में गैया को पीछे पीछे प्रभु डोले, गैया चराए और कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके कहते जो घास घास नहीं उनके रोंगट खड़े हो गए, झरना झरना नहीं जैसे कोई प्रेम से आंखों से जैसे आंसू बहती है, ये वृंदावन के आंखों से प्रेम से आंसू बह रहे हैं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके। अभी भी कृष्ण का चरण चिन्ह ब्रज में पूरा के पूरा उन्हीं से चिन्ह, ये वृंदावन अपना हृदय में कृष्ण की चरण चिन्हों को धारण करते हैं। इसलिए ये पहला श्लोक उन्होंने श्री व्यास देव एक शिष्य को सुना दिए। जब जंगल में वो भ्रमण कर रहे थे ना, इतने में पहले श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी मतलब है वो भगवान को निराकार निर्विशेष समझ रहे थे, उसका तो कोई रूप गुण नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया बड़े सुंदर है, कन्हैया बड़े प्यारे हैं कन्हैया। इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी के देख चटा देख चटा मेरे मन के गयो लतापटा, बांके बिहारी के देख चटा देख चटा मेरे मन के गयो लतापटा, मेरे मन के गयो लतापटा मेरे मन के गयो लतापटा। कृष्ण बड़े सुंदर है, अभी तक श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान कर रहे थे, लेकिन जब इनके कान में कृष्ण की सुंदरता भी प्रवेश की, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय राम
जनकपुरी में पहुंचे, ये जनक महाराज भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी भगवान को निराकार निर्विशेष समझते थे, लेकिन जब प्रभु राम का रूप देखे, गोस्वामी जी कहते हैं बोले इन्हें ही मिलो हमारे एक तोता कहीं से घूमते हुए चला गया। हमने पूछा कैसे आपकी तोता, बोले ये श्लोक सुनकर जो अपने आप पकड़ में आया कि हमारी तोता, बोले मैं वही तोता हूँ। हाँ देखो बहुत अच्छी एक बात बता रहे हैं, बोले भक्ति करेंगे तो कृष्ण भक्ति क्यों करेंगे, दूसरों भक्ति क्यों नहीं करेंगे, इसके कारण यहाँ पर बता रहे हैं। देखो जैसे एक उदाहरण दिया, आप किसी लड़की को आप कहीं शादी देना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या देखोगे, वो लड़का देखने में कैसे, भले कोई चीज मत देखो, देखो भैया पासलाठ बड़ा सुंदर है, लड़का देखने में बड़े सुंदर है, इसलिए कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण जैसे सुंदर जगत में कोई नहीं, इसलिए कहते ना बांके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटा पता, कृष्ण जैसे, बोले मदन मोहन कृष्ण का नाम, मदन मोहन नाम क्यों पड़ा, मदन मतलब होता है काम दे, सारा दुनिया को काम देव पागल बना करके रखा, लेकिन ऐसे जो काम देव को उन्होंने जिन्होंने मोहित कर दिया, कौन किया, कृष्ण, इसलिए इनका नाम मदन मोहन नाम पड़ा, मदन को जो मोहित करने वाले, इसलिए एक श्लोक में बताया कृष्ण कितने सुंदर, दूसरे श्लोक पूछे देखा बेटा बड़ा सुंदर है, लेकिन फिर पूछोगे बोले भैया देखने में तो बड़े सुंदर लेकिन कमाई धमाई कुछ करता है, बेटी को शादी तो करना, इसलिए बेटी भूखे तो नहीं मरी जाएगी। उन्होंने दूसरे प्रश्न किया, भैया देखने में तो बड़े सुंदर कृष्ण हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, कोई पैसा वैसा है कि नहीं, दूसरा जिला दूसरा श्लोक बोल दिए, अरे जयति वहाँ के जो धूल है ना चिंता नहीं, एक लक्ष्मी नहीं हजार लक्ष्मी यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, माँ लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती है, अगर बेटी को शादी दोगे ना माला ही माल है और राजरानी बन करके रहेगी। अभी दूसरे पैसा खूब है, तीसरा प्रश्न करते सुखदेव गोसाई प्रश्न कर रहे हैं, हम जिसको भक्ति करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, तीसरा प्रश्न भैया देखने में सुंदर खूब पैसा लेकिन उनका परिवार सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं सास ससुर देवर जेठ इतने झगड़ालू हो, घर में गए इतने झगड़ा हुआ घर वापस तो नहीं आ जाएगी मेरी बेटी घर में, उनकी परिवार कैसे है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो, बोले इसको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद, बोले इनकी मैया का नाम क्या, बोला मैया का नाम क्या है, पिताजी का नाम नंद, माँ का नाम जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो आदर देते हैं, सबको जो जस देती है जसोदा, बोले भैया भैया का नाम क्या है, बोलो भैया का नाम क्या है, ताऊ भैया, भैया कौन है, बलदेव श्री ताऊ भैया, बोले भैया परिवार भी बड़ा सुंदर परिवार। हाँ देखो ये जो चौथा प्रश्न है ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चौथा प्रश्न है,
बेटा देखने में सुंदर, खूब पैसा घर में, परिवार भी सबसे प्यारे है, लेकिन चौथा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही बेटा सब पूर्ण संपन्न है, लेकिन अगर दिन भर शराब पी कर पड़ा रहता है, बात बात में हाथ उठाकर मारना शुरू कर देता है, हैं? लड़ाई झगड़ा दिन भर जुआ खेले पी पा करके पड़ा रहता है, बड़ा क्रोधी, लेकिन सब कुछ होने पर आप बेटे बेटी को शादी दोगे? बोले भैया तेरे पैसा तेरे पास मेरे जरूरत नहीं इसी दामाद की। इसलिए चौथा प्रश्न करते हैं, उसका नेचर कैसे है, वो बांके बिहारी का नेचर कैसे। इसको सुनते ही चौथा चेले ने बता दिया, बोले नेचर, बोले अमो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाधी। बोले कृष्ण जैसे दयालु दुनिया में कोई नहीं। जिस समय पुतना कृष्ण को जहर लेकर के मारने के लिए गई, उसके अंदर में सारे अपगुण, कोई भी गुण नहीं था। पहला नंबर तो थी पुतना, पुतना मतलब पूतना, जो अपवित्र थी। दूसरे नंबर में कृष्ण के लिए उपहार किया, बोले जहर लेकर गई थी। तीसरे नंबर बोले राक्षसी, बोले चौथे नंबर में बच्चों का खून पी रही थी, लेकिन उसने केवल एक सेकंड के लिए मैया को बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झूला कर रखते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उसने केवल नाटक की, और कुछ नहीं, केवल नाटक उसने की थी। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण कितने दयालु, गोलोक वृंदावन में उसको माँ की पद दे दिया, मैया की स्थान दे दिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त कृष्णाया परमात्मनि। ऐसे जो कृष्ण है, अगर इसको कोई भक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा, वो क्या तुम्हें नहीं देंगे। इसलिए भैया भक्ति करना तो बांके बिहारी की भक्ति करो, क्योंकि अगर थोड़ी मोड़ी इधर उधर होगा ना, वो तुम्हारे दोष नहीं देखेगा। जैसे कोई बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी पेशाब करते, भैया फेंक देती है? नहीं फेंकती है, बच्चे को साफ सुथरा कर देती है। इसलिए कृष्ण हमारे पिता है, अगर थोड़ी गलती होगा ना, वो पिता माता है ना, हमारे बच्चे की दर्द को समझेगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन दूसरे देवादेवी को पूजा करोगे ना, वो नहीं होगा। थोड़ी सी अगर तुम्हारी पूजा में भूल चूक हो गई, उल्टा रिएक्शन, एकदम झटापट उल्टा रिएक्शन होगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी ये चीज नहीं होगी। क्यों? वो हमारे पिता माता है। पिता माता होने का वजह से बच्चे को दुख कष्ट में वो सहायता देते हैं। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ये बात को सुने ना, उन्होंने पूरा हाथ उठा लिया, बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मा। मतलब ऐसे बांके बिहारी को छोड़ देना, किसको भजन करेंगे? पूरा के पूरा आए। और श्री व्यास देव जी पूरा श्रीमद भागवत कथा सुनाए, और उन्होंने भागवत कथा सुनाए तो वही श्री सुखदेव गोस्वामी बाद में फिर श्री परीक्षित महाराज को ही भागवत कथा सुनाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। भागवत का जो वक्ता मतलब परम ब्रह्मज्ञानी, विषय से परे, मातृगर्भ में जो 16 साल तक रहे, बोले भैया भागवत कथा का श्रोता कौन? बोले भैया श्रोता भी कम नहीं, श्री परीक्षित महाराज, जिन्होंने माँ की पेट में भगवत दर्शन की। जब अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मारने के लिए, इतने में श्री उत्तरा कृष्ण शरण में चली गई। ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किया, प्रवेश करते हुए गदा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया, गर्भ में भगवान दर्शन की थी। इसलिए जब जन्म हुए ना, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, गर्भ में जो भगवान कृष्ण को देखा वो कहाँ है, वो कहाँ है। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ा, मतलब परीक्षित साधारण नहीं, जो भगवान की गोद में जो खेले और कूदे, ठाकुर जिसको गोद में लिए, इसलिए ये भी कोई साधारण नहीं। जब श्री कृष्ण ये दुनिया से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान होने पर माँ कुंती भी जगत को छोड़ दिए, परीक्षित श्री पंच पांडव भी ये दुनिया को छोड़ करके चले गए। जब चले गए, श्री बज्रनाभ को वृंदावन का राजा बनाया, परीक्षित को राजा बनाया श्री हस्तिनापुर ने। एक दिन श्री परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, बोले भैया मेरे देश में ये अपशकुन क्यों दिख रहा है? कौवा का का कर रहे थे, वृद्ध चिल्ला रहे थे, खून की बारिश हो रही थी, भूचाल आ रही थी, बोले भैया इससे अपशकुन क्यों दिख रहा है? एक दिन श्री
परीक्षित महाराज ने अपना चतुरंगी सैनिक को लेकर के देखने के लिए गए, मेरे देश में अब कहां अपशकुन है। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो जो बैल दृष्टामुद्र को विसर्जन कर रहा था। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, मैयान से तलवार निकाल झपट कटपट मारने के लिए, लेकिन वो था स्वयं कलि। देखा परीक्षित महाराज से बचना बड़ा कठिन, लेकिन ये अर्जुन का वंशज है, अगर इनकी चरण में कोई शरणागत हो जाए ना, वो कभी जितने बड़े दोष क्यों नहीं हो, इनकी वंशज किसी व्यक्ति की चरण में शरण में चले जाओ वो कभी मारेंगे नहीं किसको, उनकी चरण में सीधा लेके गए। बोले बताओ ये गैया कौन है? बोले ये गैया पृथ्वी है। ये क्यों रो रही है? बोले कृष्ण चले गए। अब जब कृष्ण चले गए तो द्वापर युग समाप्त हो गया, अभी कलि युग आने वाले, कलि युग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, इसलिए पृथ्वी इसलिए रो रही है, ये पाप को मैं सहन कैसे करूं। बोले ये बैल कौन है? बोले धर्म है। तब उन्होंने पूछा भैया ये बताओ तुम्हारा दुख का क्या कारण है? देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले मैं किसकी किसकी दोष दूं, किसकी दोष नहीं गलत, जीव जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप फल भोगता है। अगर हमने नीम का बीज बोएंगे वहां पर थोड़ी कोई केले का वृक्ष आएगा, वो तो नीम का वृक्ष आएगा। अगर चीकू का वृक्ष बोएंगे वो पपीता का वृक्ष नहीं आएगा, वो चीकू का वृक्ष आएगा। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे, ये जगत में जो हम दुख कष्ट भोग करते हैं ना, ये किसी के कारण नहीं, किसी की वजह से दुख नहीं आता। हमने जैसे जैसे बीज बोया, जैसे जैसे कर्म किया, वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग रहे हैं। जगत में किसी का भी दोष नहीं देनी चाहिए, इसलिए इसे धर्म जी ने बताए मैं किसी की चुगली करना नहीं चाहता, क्योंकि आप जिसकी चुगली करोगे ना उसको सारे बुराई आपको आएगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी कथा है। बल एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया। राजा ने कहा काम करके खा नहीं सकते हो तो भीख मांगने के लिए आ गए। उसने जो घोड़े का जो बिष्टा था ना लीड, उन्होंने उसकी झोली में दे दिया। वो संत बड़े दयालु थे, इसको लेकर चले गए। एक दिन राजा घूमते घूमते जहां पर वो संत है वो आश्रम पर पहुंचे, उनको प्यास लग रहा था। उन्होंने देखा घोड़े का जो लीड है ना पूरा पर्वत आकार में। बोले भैया ये क्या, ये घोड़े का पायखाना पर्वत आकार में क्यों? बोले महाराज आपको याद होगा एक दिन मैंने आपके दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया था, आपको याद है मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। जब कोई शुद्ध संत को जो चीज दोगे वो कभी घटे घाटे में पड़ेगा। कोई शुद्ध संत को अगर कोई चीज दोगे ठाकुर का शरण लगाएगा, लगाएगा तो कभी घटे की नहीं, वो चीज बढ़ेगी। ये एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा तुम्हारे देश में ये घोड़े के लीड के बगैर और कुछ रह ही नहीं जाएगा, सारा दुनिया तुम्हारा देश को ढक लेगा। बोले भैया मेरे तो अपराध हो गया, संत को चरण में गिर पड़े। बोले भैया बताओ मेरी अपराध हो गई माफ कर दो, मुझे क्या करनी चाहिए? बोले एक उपाय है, अगर तुम्हारी कोई बुराई करे ना, तुम्हारे जितने अपराध जो पाप ये सब खत्म हो जाएगी। बोले बताओ मैं क्या करूं? बोले आपके घर में एक जवानी आपकी बेटी। बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम्हारे दरबार को सामने जो फूल के बगीचा में एक छोटी सी कुटिया बना करके अकेले तुम बेटी को लेकर के रहो, जब तुम्हारे राज्य में लोग देखेंगे अभी घर घर में तुम्हारी चुगली होगी, जो चुगली करेगा ना तुम्हारी, तुम्हारी जो पाप उसको ऊपर चला जाएगा, जाएगा तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे। राजा तो ऐसे किया, पूरा राज्य में घर घर में चुगली, ये दुष्ट राजा देखो क्या कर रहा है, अपना जवान बेटी को अकेले लेकर के बगीचा में रहता है, घर घर में चर्चा। एक दिन वो संत को दरबार में राजा आया तो देखा सारे लीड खत्म, लेकिन एक टोकरी बाकी रह गया, एक झोली बाकी है। बोले बाबा ये तो सब कुछ खत्म हो गया, एक टोकरी बाकी क्यों रह गया? बोले देख तेरे राज्य में तो सबके सब तुम्हारी चुगली कर रही है, लेकिन एक वृद्ध माता जी कभी भी किसकी चुगली नहीं करते हैं, तीन भर माला लेकर के ठाकुर जी की भजन कर रही है, उसकी हिस्सा की अभी रह गई, अगर वो चुगली कर देगी ना फिर खत्म हो जाएगी। इतने में राजा ने अपना ड्रेस को बदला करके माता जी के घर में गए।
देखा सचमुच से वो माता जी ऐसे माला ली हुई और माला लेकर के भगवान की भक्ति कर रही हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे आंखों से आंसू की झड़ी बह रही थी। ये राजा तो पैसे बदला करके गया वो उससे चुगली करवाने के लिए, फिर खत्म होगी नहीं तो संतर ने कहा जो टोकरी बच गया ना तेरे को खाना पड़ेगा तेरे को, तब ये खत्म होगा नहीं तो खत्म होने वाले नहीं। इतने में ही वो जा करके बोले माता जी तुमने सुना है वो राजा क्या कर रहा है दुष्ट राजा। इतने में माता जी चिल्ला उठे बोले दुष्ट राजा मैं अपना भजन प्रभाव से सब कुछ जानती हूँ, वो संत तेरे दरबार में भिक्षा लेने आए थे तुमने घोड़े का लीड दिया ना जो एक टोकरी बच गया तेरे को खाना पड़ेगा, मैं किसकी चुगली नहीं करती मैं कभी किसकी चुगली नहीं करते राजा को खाना पड़ा दे। इसलिए यहाँ सिखा देते हैं अगर किसी की चुगली करना उसका सारे पाप हमें लेना पड़ेगा, इसलिए कभी किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और भगवान की हर समय माला लेकर के भगवान की भक्ति करो भगवान के नाम जप करो। भगवान ये दुर्लभ जीवा दिया, देखो ये जीवा से दो काम होता है, ये जीवा से बंधन का भी कारण हो सकती है ये जीवा से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर दुनिया की चर्चा करोगे बंधन का कारण बनेगा, अगर ये जीवा से अगर ठाकुर का चर्चा करोगे तो मुक्ति। देखना सब चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी सीधा करके बैठे, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, किसमें नहीं, जीव में। हर समय लंबर 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 कुछ बोल रहे हर समय कुछ ना, हाँ इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले भैया बोलना है ना तुम्हें, बोलने की इच्छा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ध्यान करके सुना। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारी घर में आपके निमंत्रण है। महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा। उस समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप क्या लाभ की बात कर रहे हो, फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। तो भगवान समझाया जानते हो असली लखपति किसे कहते हैं, बोले किसे कहते हैं, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम लेते हैं वही असली पति। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा गली गली, राम नाम के हीरे पति मैं बिखराम गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हो गए और माया के जो बने पुजारी आखिर लोग नांगाल हुए। इसलिए देखो मेरे तरफ में अब लखपति कैसे बन गए, कुछ दिन पहले टीवी में अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो आप लोग, सुने हो अमिताभ बच्चन के नाम सब जानते हो, वो बोलता था कौन करोड़पति कौन बनेगा बोलता था ना, इसलिए भगवान कह रहे लखपति कौन बनेगा। मेरे तरफ में देखो लखपति कैसे बन गए, ये माला है इसमें 108 मोती है, 108 मोती। अभी आपको एक एक माला हम जप करवाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो ये अंगुल को टच नहीं करनी चाहिए इसमें, क्यों ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता तेरे को हम देख लेंगे, हाँ तेरे को हम देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखते हैं और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ऐसे रखना करके इस तरह से, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार वो मोती को सरका दे अनुपम देखो तो उसने वो माला में सो गांठ पड़ा हुआ उसको खोल दो, इसको एक बार माला को हम सरका दे, फिर दो बार बोलोगे दो बार देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया 16 बार हो गया। जब एक बार महामंत्र बोलो 16 बार हो गया, उसमें हम एक मोती को सरकाते हैं, दो बार में 2 मोती, 3 बार में 3 मोती, इसमें 108 मोती है। जब यहाँ पर खत्म हो जाए हम इसको पार नहीं करते, बोले क्यों, देखो ये जो बीच में ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, जो एक एक मोती नहीं ये एक एक गोपी है, मानो राधा कृष्ण को बीच में रख करके रास कर रहे हैं, ये माला रूप में स्वयं ठाकुर जी है, हैं? अगर हमने यहाँ से फिर उसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं, अगर ऐसे 16 माला अगर किसने कर लिया हिसाब करने पर 25,000 होता है, अगर हमने 64 माला कर लिया ना 1,00,000 नाम हो गया। भगवान कहते हैं 1,00,000 तुमने नाम नहीं किया
आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई, ये भगवान कूट लेते हैं। अगर 1,00,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई, अब तो ब्याज कितने मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है, तीन दिन बयास सबायो पायो जी नहीं राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल आपको 1,25,00,000, 4 दिन में 2,00,000। लेकिन ये दुनिया की पैसा 8-7-8 साल में डबल होगा, और मरते ही शरीर छोड़ते ही एक सुई धागा भी यहाँ से छू नहीं सकते, सब के सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन ये धन अगर हमने कमाया, अगर पति कमाया है तो पत्नी नहीं ले सकती है, पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकते, बच्चा कमाएगा पिता माता नहीं ले सकते, और पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते। जो कमाएगा इसी जीवन में मालिक तो बनोगे ही, अगले जीवन में ब्याज समेत तुम मालिक बनोगे, इसको कोई नहीं छू सकते। ये ऐसे धन है। जब महाप्रभु ने ये बात बताया ना, हमारे जो महाप्रभु धारा में भक्त लोगों ने निश्चित किया, आज से हम सब के सब 1,00,000 नाम करेंगे। इसलिए हमारे मठ के जितने भक्त लोग देखो ना, माला देखो, माता जी माला लग रही जब कर रहे हैं, प्रभु जी को माला, प्रभु जी को माला। हमारे संप्रदाय में कभी यहाँ पर कुछ भक्त लोग बैठे हुए, वो माला को कभी नहीं छोड़ रहे। बोले क्यों? जानते हैं यही धन ही साथ में चलेगी, और दुनिया की धन ही छोड़ कर दिखाना पड़ेगा, साथ में चलेगी नहीं। जो श्वास श्वास में अगर ठाकुर जी के नाम निकले, तभी ये श्वास के साथ रहता है। इसलिए आप लोगों को ना बैठा करके हम 5 मिनट एक ही माला जप करेंगे, ठीक है? और 5 मिनट और कथा सुना देने की कोशिश करके 6 बजे कथा को विश्राम दे देने के लिए। इसलिए श्री परीक्षित महाराज जब ध्यान देकर सुनो, परीक्षित महाराज कली को उन्होंने शासन किया, बोले मेरे देश से निकल जाओ। बोले कहाँ जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी का आपका राज्य है, इसलिए मैं मेरे को कहीं स्थान दे दो। हाँ देखो, कली को उन्होंने 4 जगह पर स्थान दिया। इस स्थिति को थोड़ा समझो, कली युग में केवल 4 नियम को पालन कर लो और थोड़ी सी प्रभु का नाम लो ना, संसार से उद्धार। उदाहरण दिया, जैसे हमें कोई बीमारी, कोई अच्छे डॉक्टर के पास में आप गए, सचमुच से वो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करना चाहता है, पहले आपको परहेज बताएगा। बोले देख बेटा, दवा तो बहुत बढ़िया दवा दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना, बीमारी तुम्हारी जल्दी जल्दी सही हो जाएगी। अगर बगैर परहेज को दवा लोगे, पैसा तो खर्चा होगी लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं होगी। इसलिए परहेज को साथ में बेटा दवा लेना। कलयुग में दवा किया, बोले ठाकुर का नाम ही दवा। बोले परहेज किया, बोले 4 नियम परहेज। पहला है, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, है? इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य है। जो जुआ खेलते हैं ना, देखना कभी सच नहीं बोलते, झूठ को परे झूठ। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो जुआ खेल कर कितने सर्वनाश हो गए, राज्य गया, भाई गए, 13 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा, इसलिए कभी जुए में हाथ नहीं देनी चाहिए। दूसरा नंबर पाना, पाना में किसी तरह का नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए शराब तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने वालों का 3 लाभ है। बोले 3 लाभ? बोले हाँ। बोले पहला लाभ क्या? बोले पहला लाभ कोई बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले भैया मतलब क्या है? पहला लाभ बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा? जब जिंदा हो तभी तो बूढ़ा रहेगा। इसलिए मैं रशिया में प्रचार करने जाता हूँ, वहां देखता हूँ लड़की लड़की ज्यादा है, लड़की लड़की, और वृद्ध लोग तो कम देखता हूँ। मैंने पूछा, भैया ये क्या बात, इतने लड़की क्यों और इतने बूढ़े तुम कहाँ गए? बोले ये बचपन से ना ये शराब पीना शुरू करते हैं, और आंत फांत खत्म होकर बीच में खत्म हो जाते हैं, इनकी पुरुषत्व नष्ट हो जाती है, पर इनकी ज्यादा लड़के नहीं लड़कियां ज्यादा जन्म लेती हैं, हैं? इसलिए। और दूसरा लाभ क्या है? बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? चोरी कब होगा? बोले घर में कभी कुछ हो तभी तो चोरी होगा ना, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब कुछ खत्म कर देगा, ये चोरी कहाँ से होगी? तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके बड़ा रहेगा और कुत्ते आकर मुंह चाट जाएगा। इसलिए ये सब चीज को हमसे दूर रहनी चाहिए। लेकिन आप सुने होंगे, पहले अगर कोई शराब पीता था ना, बहुत गंदा मानते थे, लेकिन अभी दुनिया ऐसे उल्टा दुनिया हो गया, अगर शादी फादी कुछ हो, अगर शराब नहीं पिलाए तो बोले कौन सा शादी तुमने किया,
शराब तुमने मांस नहीं खिलाया, नहीं ये सब काम नहीं करने चाहिए। देखो एक चीज को समझो, ये एक संतों का कहना, आपको तो बुरा लगेगा, एक संत कह रहे थे बच्चे का बर्थडे में पता नहीं हम कितने जानवर को मार डालते हैं, कितने बोतलों को तोड़ देते। वो संत कह रहे थे जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने बोतल तोड़वाया, इतने जानवर को तुमने हत्या की, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? अगर 100 साल की हो ना, झट 50 साल से उतर कर गया। क्यों? जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कराए। लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आप देखना घर में कोई भी काम होता था ना, सब माताएं बैठ करके ढोलकी बजाकर कीर्तन करते थे, हर काम प्रभु की भक्ति से करते थे। भक्ति से करने से कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी। अगर ठाकुर जी की कोई भी नाम लेकर कोई काम करना, जरूर उसमें कल्याण होगा। अगर थोड़ी बहुत अगर उल्टा पुल्टा हो, ठाकुर का नाम से दूर हो जाता है। इसलिए घर में कोई भी काम हो, बैठ कर अगर कोई नहीं, आप स्वयं बैठ जाओ, ढोलकी हो मजरा लो, माताओं को बुला लो, घर में थोड़ा हरि कीर्तन कर दो उसको, बस मंगल ही मंगल है। ठीक है, इसलिए किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है स्त्रियम। स्त्रियम मतलब होता है स्त्रियों में कलि का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों में? बोले अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री और स्त्री जो पुरुष साथ मिलते हैं, संसार करो, शादी सुधा करके अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना गृहस्थी का निभाओ। बगैर शादी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे, शास्त्र इस चीज को स्वीकार नहीं करता है, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन की सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं मांस। मांस मतलब क्या है? मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह। अभी हम जिसको खा रहे हैं, बाद में हम जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट। मी मतलब होता है मुझको, ईट मतलब होता है खाना, मेरे को जो बाद में खाएगा जिसको हम खा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अगर ये चार नियम को हम पालन कर लिया, थोड़ी सी प्रभु का नाम कीर्तन करो, बस बरगड़ा पार हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि भागवत का परहेज है और जो दवा है ठाकुर जी की नाम ही दवा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। देखो कल कथा की चौथा देवी है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो जब मैया जसोदा गर्भ धारण की ना, जितनी ब्रज की गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा बना करके रखे और चुंदरी बना करके रखे, बोले मैया की लाला होएगी ना, हम इसको पहन करके कृष्ण को बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल जितने माताएं सब गोपी भाव से आए, क्योंकि कन्या केवल प्रेम की भूखे, ठाकुर जी केवल प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं, हैं? इसलिए कल सबके सब पीले रंग के साड़ी पहन करके आओगे। कौन सा रंग के? जोर से बोलो, पीला रंग की। अगर नहीं हो ना उधार करके पहनना, पीला रंग की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोशिश करना जैसे बढ़िया साड़ी पहन करके आए, पीला हो तो बहुत बढ़िया। और देखो शादी का समय नहीं, शादी का समय में पेटरा में बंद करके रखे उसको खराब हो रहा है, उसको निकालना। हाँ ठीक है, निकाल करके बढ़िया बढ़िया एकदम सबसे बढ़िया, क्योंकि भगवान की जन्म उत्सव में आओगे ना, जैसे शादी में जाते हो बढ़िया बढ़िया चमक धमक पहन करके जाते हो, ठीक है ना। इसलिए कल भगवान की जन्म उत्सव में आओगे, जितने सब बढ़िया बढ़िया लहंगा चुंदरी होगी पहन करके और सबके साथ बधाई देने के लिए आना। और हमारे भाई लोग, हम लोग क्या पहनोगे? हाँ अगर किसी धोती हो बहुत अच्छी बात है, अगर धोती नहीं हो कम से कम सफेद रंग की कुर्ता पैजामा पहन करके गो भाव से आना, क्योंकि भगवान प्रेम की ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे, ठाकुर जी प्रेम दिखते हैं। अगर हो सके तो अपना घर से जैसे लुटाते हैं ना, टफी लुटाते हैं और कुछ चॉकलेट कुछ हो खिलौना लुटाते हैं, अगर हो सके अपना घर से थोड़ा थोड़ा लेकर के आना। तो ना अपना बच्चे का बर्थडे में हम कितना करते हैं, अगर ठाकुर जी के लिए इतना करोगे ना। आपको एक सही घटना सुनाता हूँ। एक माता जी कृष्ण को अपना बेटा मानकर भजन की जिंदगी भर, वात्सल्य भाव से जिंदगी भर कृष्ण की सेवा की, सारा जीवन उसकी सेवा में लगा दी और लास्ट में उसने वृंदावन में जाकर निवास की, गोपाल जी को खिलाना पिलाना बच्चे जैसे,
और ऐसे ठाकुर जी उसको साथ में बात करते थे, माता जी को साथ में ठाकुर जी बात करते थे। अभी माता जी अभी थोड़ी हो गई, अभी उनको सेवा कौन करेगा, कृष्ण स्वयं करते थे। पानी भर भर कृष्ण लाते थे, घर में पोछा लगाते थे, मार्केटिंग करते थे, कृष्ण उनके लिए खाना बनाकर खिलाते थे। माता जी को बोले क्यों, बोले जिंदगी भर तुमने मेरी सेवा की, अभी तुम्हारी सेवा कौन करेगा, मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए अगर भगवान को जिस भाव से आप भगवान की भक्ति करोगे ना ठाकुर जी आपको, उसी भाव से ठाकुर जी आपको भक्ति करेंगे, ठाकुर जी आपको प्रेम करेंगे। इसलिए कल हम बड़े धूमधाम से कल बावन भगवान भी जन्म लेंगे, हैं कल बावन और भगवान राम भी जन्म लेंगे, भगवान नरसिंह भी, भगवान सारे भगवान कल जन्म लेने वाले। कल सबके सब सज करके आना और बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। और 5 मिनट हम लेंगे, एक एक आपको माला जप करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर जी का नाम जब दे दो तो माला दे दो, बट दो तीन व्यक्ति ले जाओ, दो तीन व्यक्ति ले आओ, और एक किसको और दो व्यक्ति को दे दो, एक माता जी को दे दो, माता जी बंटवा दे दो, कुछ माला दे दो, सब एक एक माला ले लो, 5 मिनट लगेगा एक माला जप करने में। देखो यहाँ पर कर करिए हम 200 भक्त हो गए, लेकिन आप लोग तो एक माला करोगे लेकिन आपको 200 माला करने का फल मिलेगा। क्यों, यहाँ जब सबके सब माला जप करेंगे सबका आवाज सबकी कहानी में पड़ेगा, इसलिए आपको माला करोगे एक लेकिन फल मिलेगा 200 माला जप करने की फल मिलेगी। फटाफट दो, फटाफट दो, और माला नहीं है, माला है ना, निकालो उसको, क्या कर रहे हो वहां, पहले से आपको बोला उसको खोला नहीं, खोलो उसको, फटाफट खोलो, राइट बैठ के क्या कर रहे हैं। हाँ देखो आपको जो मैं माला दे रहा हूं आप लोग लेना नहीं, मेरे को वापस दो, ठीक है। अब जब तक कथा होगी एक एक माला जब करेंगे, मैं लास्ट में आपको कुछ बता करके माला दे जाऊंगा, माला जब करके मेरे को वापस दे देना, रोज हम माला जब करेंगे, दे दो जिनको पास में माला नहीं छूट दे दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो कर दो, फटाफट दो, सबके पास में पहुंच गया, सबके पास में। हाँ देखो हरे कृष्णा, इधर देखो मेरे तरफ, ये समझो हम श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में बैठे, ठाकुर जी की चरण में बैठे, यहाँ पर तो बांके बिहारी नहीं है, यहाँ पर तो सारे देवा देवी है, समझो हम श्री ठाकुर जी के चरण में हम बैठ करके नाम जप कर रहे हैं, ठीक है। सबके सब आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके सबके सब हमारे साथ में वृंदावन चलो, ठाकुर जी के चरण में समझो बैठ करके हम नाम जप कर रहे हैं। और जो नाम जप करना, इधर सुना हरे कृष्णा, सबके सब नाम जप करना, क्योंकि ध्यान देकर सुना, जब कोई नाम जप करते हैं उनकी पाप उड़ जाती है, लेकिन उड़ करके जा करके कहां बैठेगी, जो नाम नहीं करेगा, जो नाम नहीं जप करेगा सभी की पाप उनको सर पर जाकर बैठ जाएगी। इसलिए जब नाम जप करे सबके सब नाम जोर से थोड़ा करना, थोड़ी ऊंचे स्वर में करेंगे ना, जैसे हम यहाँ पर 200 भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो एक माला करोगे लेकिन फल कितना मिलेगा, 200 माला करने का, समझो 200 माला किया ना 3 लाख तुमने नाम हो गया, 3 लाख नाम हो गया, समझो बैंक में आपकी 3 लाख रुपया तुम्हारी फिक्स डिपोजिट हो जाएगी और अगले जीवन में ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए थोड़ी से नाम को ऊंचे स्वर से करना, ठीक है, जैसे सबको कान में, सबका नाम सबके कान में पड़े। अभी मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, 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 राम। एक मोती, एक
मध्य सारे भले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला पूरी हो गई ना, माला पूरी हो गई, इसलिए अब लोग सब जैसे माला वापस लेंगे, कोई लेना नहीं, पाप लग गया करें, इसलिए माला मैं बाद में दूंगा। और देखो ये भागवत कथा का नियम है, कम से कम कथा प्रारंभ से पहले आनी चाहिए, हनुमान जैसे श्रोता हो, देखना कहीं राम कथा हो ना, सबसे पहले श्री हनुमान जी का तस्वीर लगना है, क्योंकि हनुमान जी कथा के सबसे बड़े रसिया है, इसलिए जब कथा में आ ही रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करना, नियम है वक्ता आने से पहले श्रोता आ जाए, ठीक है ना, इसलिए वक्ता आने से तो बाद में श्रोता नहीं, कथा प्रारंभ होने से पहले आ जानी चाहिए, तब तक आपको पूरी की पूरी आपको कथा सुनने की पूरी पूरी फल मिलेगी। और कल तो एक एक भक्त दस दस भक्तों को लेकर के आना, मैंने पहले बताया ना, आप जिनको लेकर के आओगे उसका जो पुण्य आधा आपको मिलेगा, इसलिए एक एक भक्त कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे, दस दस भक्तों को कम